दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थोड़े से डक्ट। इस वीडियो में देखेंगे यार ये थोड़े डक्ट बनते कैसे है, आपका लास्ट में टर्मिनेशन कैसे होती है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है और इसका कोर्स क्या है। तो ये बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बता होना चाहिए दोस्तों, थोरैक डक्ट होता है ना वो लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट होता है बॉडी के अंदर। लार्ज लिम्फेटिक डक्ट है तो सबसे पहले इसका ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन होता है, देखिए जो आपका नीचे वाले पार्ट होता है वहाँ बहुत सारे आपके लिम्फेटिक्स डक्ट होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ से सारे बहुत सारे जाके आपका सिस्टर्ना काइली होता है L2 लेवल पे, वहाँ पर उसके अंदर ड्रेनेज करते हैं। ड्रेन करने के बाद जो सिस्टर्ना काइली है वही एसेंड करती है, उसका नाम बदल जाता है, उसे बोलते हैं थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट क्या होती है कि जो जाइगस वेन और इसके एब्डोमिनल रोटा है वो साथ में रहते हैं, आपके लेफ्ट साइड में रोटा, राइट साइड में आपका जाइगस वेन। T4 लेवल पे क्या होता है, T4 लेवल पे ये आपका डेविएट टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट साइड थोड़ा डेविएट हो जाती है, उसके बाद ऊपर बढ़ती है। बढ़ने के बाद C7 लेवल पे आपके जो टर्मिनेशन होती है कैसे होती है, जो आपका इंटरनल लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, ये लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन है, ये आपका लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है, दोनों मिलते हैं वहाँ पर, जो जंक्शन है दोनों के मिलने के जंक्शन है वहाँ पर ये आपका टर्मिनेशन करती है, ठीक है, इसके जंक्शन पे लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ये हमने बात की टर्मिनेशन ओरिजिन की। हम बात करते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज होती हैं तीन, राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक। देखिए लंबर ट्रंक, देखिए लंबर जो लेवल था वहाँ से ये राइज हो रही थी, तो इसके साइड में जो लंबर ट्रंक है वहाँ से इनकी ट्रिब्यूटरीज होंगी। उसके बाद जो इंटरकोस्टल लिम्फ नोड है, इंटरकोस्टल स्पेस होगा वहाँ पर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड होंगे, तो वो भी ड्रेनेज इसके अंदर करेंगे। और लास्ट आता है लेफ्ट ब्रोंको मेडिसिनल ट्रंक, जो आपका लंग के अंदर मेडिसिनम होते हैं, एंटीरियर मिडल पोस्टीरियर, और वहीं से आपका जो लेफ्ट साइड का ब्रोंको मेडिसिनल ट्रंक है वो आपका इसके अंदर ड्रेन करता है, ट्रिब्यूटरीज होता है थोरैसिक डक्ट का, ठीक है। तो ये आपका इसकी हमने बात की, जो बनता कैसे है, टर्मिनेशन कैसे होता है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, और इसको हम डायग्राम ख्याल में देखें। देखिए जो आपका थोरैसिक डक्ट है ना, बॉडी का इतना पार्ट है दोस्त, वो आपके थोरैसिक डक्ट कैरी करती है, लेकिन जो आपकी ये वाला पार्ट है राइट साइड वाला, इसको जो कैरी करती है वो होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। वो हमें पता होना चाहिए, लगभग होल बॉडी एक्सेप्ट जो राइट पार्ट है शोल्डर और अपर लिम का, राइट अपर लिम, उसको छोड़ के पूरी बॉडी को आप सप्लाई करती है थोरैसिक डक्ट, और उसको करती है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है दोस्त। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर बात की आपका, तो एक बार हम इसको फिर से समरी लिख रखी है, कहाँ कहाँ से लेके आती है, आपका लेफ्ट हेड से नेक, लेफ्ट अपर लिम, थोरैक्स, एंटायर एब्डोमेन, बोथ लोअर लिम, इनसे वही जो इसमें बताया वही बात लिख रखी है। तो इस वीडियो में डिस्कस किया दोस्त आपका थोरैसिक डक्ट बनते कैसे, टर्मिनेशन कैसे होता है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, और किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप बनाती है। तो दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।